हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल का देन योर साइंस गुरु जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ से कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, कि सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर, यहाँ पर क्या बतानी है, इंट्रैक्शन बतानी है ऑफ द फॉलोइंग पेयर। सबसे पहले यहाँ पर क्या है बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अंदर एनहेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, सेकेंड के अंदर आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड थर्ड इज मिथेनॉल एंड एसीटोन। तो सबसे पहले बात करते हैं एनहेक्सेन और एन ऑक्टेन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इंट्रैक्शन बनती है, तो इंट्रैक्शन कौन सी बनेगी, डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस बोथ आर एन नॉन पोलर। तो यहाँ पर क्या बनती है, दोनों नॉन पोलर है ये, और जो इसके बीच में जो इंट्रैक्शन बनती है वो कौन सी बनती है बच्चों, लंदन फोर्सेस बनती है। तो सेकेंड के अंदर जो बेसिकली हमारा आयोडीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स बनेगी यहाँ पर भी, क्योंकि ये क्या है कि एज बोथ आर इन नॉन पोलर, ये भी दोनों क्या है, नॉन पोलर केस है। उसके बाद थर्ड के अंदर मिथेनॉल एंड एसिटोन, तो यहाँ पर क्या बनती है बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बनती है कि एज बोथ आर ए पोलर मोलिक्यूल्स, ये दोनों क्या है, पोलर मोलिक्यूल्स है। तो ये वन बाय वन सभी क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं अपनी वीडियो के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या डिफाइन करना है, हमने सबसे पहले रोलिट्स लॉ को डिफाइन करना है। उसके बाद सेकेंडली इसमें हमने बताना है कि टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल्यूशन जो ओबे करते हैं किसको, रोलिट्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रोलिट्स लॉ के बारे में बच्चों, कि इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये, मोल फ्रैक्शन व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट के लिए। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रोलिट्स लॉ। तो पार्शियल जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ ईच कंपोनेंट, वो हर कंपोनेंट का, सपोज कीजिए कंपोनेंट आपने सोल्यूट और सोलवेंट दो लिए, यहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट ऑफ ए सोल्यूट एंड सोलवेंट के। तो यहां पर हमने क्या लिया, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो यहां से इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर क्या लगा दिया हमने, पी ए नोट से इसको कॉन्स्टेंट से डिनोट कर दिया। उसके बाद सेम पर्पज हमारा किसका है, कंपोनेंट बी के लिए, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो इट मींस क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट और एक्स बी, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। उसके बाद बच्चों को पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोलिट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो डेल्टा एक्स मिक्स होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, और डेल्टा एक्स डेल्टा वी मिक्स ये भी क्या होगा आपका, जीरो होगा, जो मिक्सचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद दे फॉलो द रोलिट्स लॉ, ये फॉलो करते हैं रोलिट्स लॉ को, जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके और कंसंट्रेशन के लिए, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इनको जो सेपरेट किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से। सो दिस क्वेश्चन इज रोलिट्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आपने डिफरेंस करके दिखाना है किसके बीच में, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सोल्यूशन से रिलेटेड, कि इट ओबे द रोलिट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये ओबे करता है रोलिट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू कोई भी हो सकती है। उसके बाद जो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां पर ये जीरो के इक्वल होगा, और जो डेल्टा वी मिक्स होगा आपका, जो मिक्सचर होगा वो भी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब रही बात किसकी, हमारी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इट डज नॉट ओबे द रोलिट्स लॉ, ये ओबे नहीं करेगा किसको, रोलिट्स लॉ को, और यहां पर आपका जो डेल्टा एच मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल जीरो नहीं होगा, और जो डेल्टा वी मिक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट हेनरी लॉ, राइट इट्स टू अप्लीकेशन। तो हेनरी लॉ को भी आपने एक्सप्लेन करना है और उसकी दो अप्लीकेशन को भी डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेनरी लॉ क्या होता है, कि इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस
इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है ना, देखिए इस केस में क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो किस फेस में होगा, वेपर फेस के अंदर होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के लिए इन द सॉल्यूशन के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज ए हेनरी लॉ, उसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ। अब मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या होगी इसकी, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अब यहां से आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हटाकर यहां पर किसका साइन लगा दिया बच्चों, KH का। KH मींस इज ए हेनरी लॉ कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब इसकी दो एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट एक्कॉम्पनिंग द डीकंप्रेशन ऑफ ए डी शेप डाइवर। अब देखिए इस केस में क्या है कि मिनिमाइज पेनफुल इफेक्ट, कम पेनफुल इफेक्ट मिनिमाइज कैसे होता है, क्या रीजन है उसका, कि एक्कॉम्पनिंग द डीकंप्रेशन ऑफ ए डी सी डाइवर मींस बैंड्स हो जाता है, ऑक्सीजन डाइल्यूटेड इन ए लेस सोलेबल हीलियम गैस इज यूज्ड टू ब्रीथिंग गैसेस। अब देखिए इस केस में क्या करते हैं, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हाइड्रोजन हीलियम गैस यूज की जाती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है ना, तो यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ब्रीथिंग, यहाँ पर एच भी आएगा भाई, ब्रीथिंग, ठीक है। तो जो हीलियम गैस है उसको यूज किया जाता है ब्रीथिंग के लिए, जब कहां पर ऑक्सीजन जो डाइल्यूटेड होती है वो किस में होती है, विद लेस सोलेबल होती है इस केस के अंदर। सेकेंड पॉइंट है इसका, टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो सोलेबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज हो जाती है, कब, इन ए सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोटल इज सील्ड इन हाई प्रेशर, कि जो भी सोडा वाटर की बोतल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं विद हाई प्रेशर के साथ। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो इंक्रीज हो जाती है उसकी सोलेबिलिटी ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोटल इज सील्ड अंडर इन ए हाई प्रेशर, जो बोटल होती है वो सील्ड होती है हाई प्रेशर के साथ। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, हेनरी लॉ और उसकी दो एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, अब रीजन बताना है आपने इस क्वेश्चन का, कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन ए कोल्ड वाटर देन इन ए वार्म वाटर, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मोर कंफर्टेबल क्यों होते हैं कोल्ड वाटर के अंदर, इन कंपैरिजन ऑफ ए हॉट वाटर या वार्म वाटर। तो इस रीजन में क्या लिखा गया, इट इज बिकॉज कोल्ड वाटर हैज ए मोर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देन ऑफ ए वार्म वाटर, जो कोल्ड वाटर होता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होती है, इन कंपैरिजन ऑफ किसमें, वार्म वाटर के अंदर, बिकॉज द सोलेबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड डिक्रीज, जो सोलेबिलिटी है गैस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी उस केस में, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। सेकेंड भी रीजन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 MKCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ ए 1 sugar सॉल्यूशन। अब यहां पर जो डबल क्यों होती है KCl के सॉल्यूशन के केस में, प्लस जो 1 ऑफ ए sugar सॉल्यूशन में वो सिंगल क्यों होती है, क्या रीजन है उस केस का। अब देखिए इस केस के अंदर कि जो KCl है हमारा, जब हम इसके रिएक्शन करते हैं तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देता है। तो इस केस में क्या लिखोगे कि KCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, ये टूट जाता है आयंस के रूप में, कि देयर इज नंबर ऑफ पार्टिकल इज डबल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इस केस में वो डबल होते हैं एज कंपेयर टू द शुगर। उसके बाद शुगर इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, शुगर जो सॉल्यूशन है वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी भी है हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए KCl इज डबल, इसलिए वो क्या होता है इसका डबल होता है, क्योंकि आयंस की फॉर्मेशन होगी, आयंस की फॉर्मेशन होगी तो ऑटोमेटिकली आयंस डिसोसिएट होंगे। तो क्लियर हो गए ये क्वेश्चंस भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज द मिक्सचर ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज ए पॉजिटिव डेविएशन। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि व्हाई द मिक्सचर ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम ए रोल्यूट्स लॉ, कि वाई टाइप ऑफ एजिट्रॉप्स इज फॉर्म बाय दिस मिक्सचर। देखिए भाई इसमें किस टाइप की जो फॉर्मेशन बनती है कि वो कैसे बनेगी मिक्सचर की, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन है जो वो शो करता है किसको, पॉजिटिव डेविएशन को। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, इट इज बिकॉज
वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रेजेंट करेगी किसके बीच में, एसीटोन एंड जो कार्बन डाइसल्फाइड है आफ्टर मिक्सिंग के बाद, कि इट शोज ए पॉजिटिव डेविएशन। तो इसलिए वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा किसके अंदर, फॉर्म है रोलुट्स के, रोलुट्स वा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, उसने सेकेंड पॉइंट में पूछा है कि जो हमारा एजोट्रॉप है इज फॉर्म बाय द मिक्सचर, तो इट इज फॉर्म द मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप। तो कौन सा फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप की फॉर्मेशन होगी विद ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ड्यू टू इंक्रीज। इंक्रीज क्या होगा बच्चों यहाँ पर, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को भी आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए, एंड देयर फॉर द डिक्रीज इन द बॉलिंग पॉइंट, और इसलिए क्या हो जाएगा, जो बॉलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा एंड फॉर्म से मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप्स, और वो किसकी फॉर्मेशन देगा, मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप्स की। दोबारा फिर देखिए इसको, कि इट फॉर्म्स ए मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप विद ए स्पेसिफिक कंपोजिशन ड्यू टू इंक्रीज इन ए वेपर प्रेशर। यदि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू द डिक्रीज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होगी, एंड देयरफॉर द डिक्रीज इन ए बॉलिंग पॉइंट, और जो हमारा बॉलिंग पॉइंट होगा बच्चों इस केस के अंदर वो भी डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से वो किसकी फॉर्मेशन देगा, मिनिमम बॉलिंग एजोट्रॉप्स की फॉर्मेशन देगा। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है एंड मोलैलिटी को डिफाइन करना है। तो एक चीज सबसे पहले देखिए, मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मोलैलिटी होती है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के ऊपर, ठीक है ना, प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन एंड नॉट इन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, और नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट के ऊपर। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, बट आप उस केस में कह सकते हो कि नॉट इन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस नेचर का वो सोल्यूट है। दिस इज कॉल्ड इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जो इसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर इसका लेके चल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मोलैलिटी, क्या होती है, कैपिटल एम से नहीं, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी को, कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्ड पर किलोग्राम ऑफ द सोल्यूट, कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट है हमारे वो डिजोल्ड किए जाते हैं बच्चों किसके अंदर, पर किलोग्राम ऑफ द सोल्वेंट के अंदर। सिंपल सी डेफिनेशन है कि देखिए ध्यान से, कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिजोल्ड इन, डिजोल्ड किसमें किए गए, पर किलोग्राम ऑफ द सोल्वेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 0.5, अब 0.5 आपने मोलैलिटी दे रखी है, ग्लूकोज सोल्यूशन contain in 0.5 moles of a glucose in a 1 kilogram of water। simple सी ये देखिए यहां से, कि जो 0.5 है हमारा वो molality glucose solution की, वो contain किससे मिली है, 0.5 mole of the glucose के हैं and 1 kilogram आपका क्या है यहाँ पर, water है। तो इन दोनों से मिलकर क्या हो गई, इसकी formation आ गई। clear हो गया, ये भी ये solution बन गया हमारा glucose solution का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपने डिफाइन करनी है फॉलोइंग टर्म्स को। सबसे पहले है इसके अंदर एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, सेकंड इज ए वेंट होफ फैक्टर जिसको आई से डिनोट करते हैं, एंड आफ्टर दैट इज ए ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास की, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, कि द मोलर मास डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो मोलर मास जो डिटरमाइन किया जाता है किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि वेन इट अंडरगोज इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि वहां पर क्या होगा भाई, देखो ये तो एसोसिएशन होगा या फिर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो सिंपल डेफिनेशन है कि द मोलर मास इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि वेन इट अंडरगोज इधर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस इज कॉल्ड इज ए एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये डेफिनेशन किसकी है, एबनॉर्मल मोलर मास की। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास, what do you mean by Van't Hoff factor क्या होता है, कि it is defined as the ratio of the normal molar mass to the observed molar mass of the solute, कि ये ratio है किसकी, ratio है बच्चों ये normal molar mass की, ठीक है ना, normal molecular mass
टू द अब्सॉर्ब मोलिकुलर मास ऑफ दिस सोल्यूट की रेशियो है। दिस इज कॉल्ड एज ए वेंटहोफ फैक्टर। इसको आप क्या बोलोगे? वेंटहोफ फैक्टर। और वेंटहोफ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? आई नॉट से डिनोट करते हैं। आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। ये इसकी रेशियो बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है कि इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर कि टू स्टॉप ऑस्मोसिस, किसको रोकने के लिए? देखिए ध्यान से, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, कहां पर अप्लाई किया बच्चों आपने? सॉल्यूशन के ऊपर कि टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मेटिक प्रेशर, या दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मेटिक प्रेशर। उसको आप क्या बोलोगे? ऑस्मेटिक प्रेशर कहोगे। क्लियर हो गया ये भी? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन एजोट्रॉप्स कि व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रॉप्स इज फॉर्म बाय द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉलेट्स लॉ। तो किस टाइप के एजोट्रॉप्स की फॉर्मेशन होगी जब पॉजिटिव डेविएशन होगा? अब उस केस में कि गिव एन एग्जांपल, और आपने इसका एग्जांपल भी देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एजोट्रॉप्स आर द कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कि विच हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड। जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी लिक्विड के केस में, एंड वेपर फेज एंड द बॉयल्स इन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और जो उसका क्या होगा? बॉयल होगा वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। कि दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसको हम अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के माध्यम से। क्लियर है? उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स आर फॉर्म बाय दिस सॉल्यूशन विच कैन शोज ए पॉजिटिव डेविएशन। और जो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होगा वो फॉर्मेशन देगा, किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों? सॉल्यूशन विच शोज द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन की, फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर हमारा सॉल्यूशन था। तो नेक्स्ट फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। गुड लक। जय हिंद। जय भारत।